Next example is also an example of Iridov. This is question number 117 of Iridov. In the circuit shown, if the EMF of the battery is 10 volt, तो ये 10 volt की battery है. And if capacitor C1 is 1 microfarad and C2 is 2 microfarad and the potential difference VA minus VB is 5 volt, तो इस point और इस point का potential difference 5 volt है. Find the potential difference across each capacitor. तो हमें हर capacitor के across potential difference निकालना है. अब क्योंकि इस point और इस point का potential difference 5 volt दे रखा है, we can say इसका potential 5 volt मान लें, इसका potential 0 मान लें. Now इस point का potential हमें नहीं मालूम, let us call it X. और इस point का potential क्योंकि बीच में battery लगी हुई है, will be equal to X plus 10. दस हमें अब हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है, एक्स यहां पे अननोन है. नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम. तो ये प्लेट और ये प्लेट एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम होंगी. इन दोनों प्लेट के ऊपर आने वाला नेट चार्ज जीरो होगा. दस C1 कैपेसिटर की इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो C1 इंटू एक्स माइनस 5 होगा. और C2 कैपेसिटर के इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो C2 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 0 होगा. एंड द नेट चार्ज ऑन दीज टू प्लेट्स विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड. बैटरी चार्ज क्रिएट नहीं करेगी, सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर करेगी. इन दोनों प्लेट के ऊपर आने वाला चार्ज डेफिनेटली 0 के बराबर ही होगा. C1 की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 1 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस C2 की वैल्यू 2 इंटू एक्स प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वी विल हैव एक्स माइनस 5 प्लस 2x प्लस 20 बराबर 0 एंड देयरफॉर एक्स विल बिकम इक्वल टू माइनस 15 एंड देयरफॉर एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट. दस इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 5 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 5 प्लस 10 विल बी इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट. हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो कैपेसिटर C1 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस देयरफॉर 10 वोल्ट का है और कैपेसिटर C2 के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल 5 आया था, यहां पे 0 हमने माना था.